नमस्कार, आ गया है होस्ट दोस्त राहुल भोज बताने के लिए एक जरूर इम्पोर्टेंट बात। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ RHULBHOJ, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। दोस्तों, बात करते हैं आपकी, आखिरकार क्या हुआ है बिग बॉस के घर में। बिग बॉस के घर में अब विशाल कोटियान ने एक बड़ी बात बोल दी है, वो भी तेजस्वी प्रकाश को लेकर, कि ये जो ग्रासहॉपर से डरना था ये सिर्फ और सिर्फ क्या नाटक था। वेल एक्सपोज्ड। आपको बता दूं दोस्तों, तो लाइव फीड में हमने देखा कि अभी जो बारी आई है वो बी टीम की आई है, परेशान करने की टीम ए को, यानी कि तेजू लोगों की टीम को। घरवालों ने क्या किया, इनका ऑलरेडी टारगेट डिसाइडेड था कि तेजू और या तो फिर अपना ये राजीव, ठीक है, राजीव को परेशान किया, राजीव तो हीरो बन गया। अब तेजस्वी को इन लोगों ने परेशान किया और इन्होंने क्या किया कि तेजस्वी को सारे कीड़े वीड़े छोड़ दिए तेजस्वी के ऊपर, ठीक है, कॉकरोच वॉकरोच छोड़ दिए थे। अब ऐसे में तेजस्वी के ऊपर कॉकरोच छोड़ा गया दोस्तों, तो तेजस्वी बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुई, आ ऊ आ जो करती है वो बिल्कुल भी नहीं किया दोस्तों उसने। और यहाँ पर विशाल कोटियान ने तुरंत दिमाग लगाते हुए कह दिया एक बड़ी बात की, तो इसका मतलब अभी तक वो जो ग्रासहॉपर से डरने वाली बात थी, तो क्या इसका मतलब वो सब फेक था। सबसे बड़ी बात दोस्तों, विशाल कोटियान बहुत दिमाग लगा रहा है और अब ऐसा लग रहा है जैसे बिग बॉस के घर के अंदर विशाल कोटियान जो है वो सचमुच का एक मास्टर माइंड बन गया है। विशाल कोटियान ने तेजस्वी प्रकाश की सच्चाई कहीं ना कहीं रख दी है और लोग अब यही सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार क्या ये सब जो तेजस्वी कर रही थी ये सिर्फ और सिर्फ क्या नाटक था, क्या तेजस्वी रियल है या फेक। भाई ये तो कल के दिन ही पता चलेगा क्या होता है। वैसे आपको बता दूं तो तेजस्वी जो है खतरों के खिलाड़ी जैसे बड़ा शो कर चुकी है, जहाँ पे ग्रासहॉपर क्या, जहाँ पे तो बड़े बड़े इंसेक्ट्स उसके ऊपर डाले गए थे और ऐसे में उसने उफ तक नहीं कही थी, तो हो सकता है कि वो खतरों के खिलाड़ी से स्ट्रांग हो गई हो, राइट, हमें नहीं पता, वी हैव टू वेट फॉर दैट। आप कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर बताएं। चलता हूँ।